ये जेसीबी का बैकहो लोडर है और आपने देखा होगा कई सालों से आज भी लोग जो है जेसीबी का ही ब्रांड मतलब जेसीबी का ही बैकहो लोडर खरीदना चाहते हैं। तो ऐसी क्या बात है जेसीबी में कई सालों से आज भी एक नंबर पे खड़ा है जेसीबी, उसका क्या रीज़न है? अब ये 2018 का मॉडल है, लगभग इसको 5 साल होके गए हैं। अब कितने घंटे हुए हैं वो भी दिखाता हूँ और आज इसकी कंडीशन क्या है वो भी दिखाता हूँ। कहीं पे क्रैक हुआ है क्या, कहीं पे कोई ऑयल तो लीक नहीं है। इतना मतलब 5 साल चलने के बाद मशीन का कंडीशन अगर ऐसा रहेगा और इसको रीसेल भी अच्छा मिलता है तो यही कारण है। और वो आपको मैं आज प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ऐसे ही बना रहा हूँ। ये बकेट देखिए, बकेट का कंडीशन कहीं पे कोई क्रैक नहीं है कोई बड़ा सा, ठीक है। ये देखो ये डिपर की कंडीशन देखिए आप, फिर बूम देखिए और स्टेबलाइजर देखिए। 5 साल के बाद भी कस्टमर ने अच्छे से इसको मेंटेन किया है, कोई पट्टी मारा नहीं है देखो, ठीक है। अभी तक इसको पट्टी मारा नहीं है, मतलब पैड का कंडीशन भी अच्छा है। यहाँ पे देखिए स्विंग सिलेंडर, ठीक है, अभी भी लीकेज नहीं है 5 साल चलने के बाद भी, और कोई इसका सील चेंज भी नहीं किया है, ठीक है। ये यहाँ पर पता चलेगा, अगर चेंज किया होता है तो यहाँ पर टूल्स का जो मार्किंग आता है यहाँ पर। बाकी ये देखो होज़, अभी भी वही होज़ पुराने वाले हैं, मतलब जो कंपनी के साथ आए थे, कहीं पे कोई लीकेज नहीं है। बस ये हल्का ऊपर का जो कोटिंग है ये निकल चुका है। ये देखिए केपीसी का डिज़ाइन, अब नीचे जाके देख लेते हैं एक बार। ये देखो नीचे सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इसका वॉल ब्लॉक, तो ये वॉल ब्लॉक देखिए हल्का भी लीकेज नहीं आपको दिखेगा। ये देखो पूरा ड्राई है, कितना, अगर 5 साल चलने के बाद भी ऐसा रहेगा तो लोग क्यों नहीं जेसीबी खरीदेंगे। अब एक्सल का कंडीशन देखिए, कहीं पे भी हल्का सा बूंद भी नहीं नज़र आएगा आपको, थोड़ा सा आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लीकेज है, ये देखो यहाँ पे लीकेज है। अब कौन सा लीकेज है यहाँ पर देखेंगे, एक तो ये हाइड्रोलिक ऑयल हो सकता है यहाँ से, या फिर हो सकता है ट्रांसमिशन ऑयल, तो हल्का सा ये लीकेज है। अगर इतना लीकेज होता भी है तो इसमें एक सील आती है जो कि जिसकी प्राइस जेन्युइन की 500 रुपये होती है, और सर्विस इंजीनियर का जो भी चार्ज रहेगा उतना ही खर्चा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ट्रांसमिशन इंजन देखिए कोई लीकेज नहीं है, ये फ्रंट एक्सल देखिए कोई बेयरिंग टूटा नहीं है अभी तक, ये देखिए इस तरफ भी, ये देखिए ये अभी लोडर जो वाल ब्लॉक होता है आगे का, ये भी देख सकते हैं आप, इसको वॉश नहीं किया है। अब एक बार हम थोड़ा सा बाहर जाके आगे का दिखाता हूँ आपको, इंजन कंडीशन और कैबिन का। ये अगर चाहे तो जेसीबी इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ लगा होगा पत्थर वित्तर, तो ये बेंड हुआ है और हल्का सा यहाँ से लीकेज है, जो पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों भी दिखा रहा हूँ मैं आप। ये फिर यहाँ पे देखिए इंजन का कंडीशन देख सकते हैं आप, इंजन पे भी कोई लीकेज नहीं है, ठीक है। यहाँ से आते हैं, अभी हमने सेफ्टी लॉक लगाया नहीं है इसके लिए उधर जाएंगे नहीं ज़्यादा, यहाँ से ही दिखाता हूँ मैं हल्का सा। ये देखो प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ किया गया है लेकिन कोई लीकेज नहीं है। इस तरफ आते हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये इंजन का कंडीशन। हाँ कुछ मॉडल में जेसीबी में ये इंजन का प्रॉब्लम आता है, अगर चाहे तो कंपनी इसमें सुधार करेंगी तो बेटर रहेगा। यहाँ पे देखा होगा आपने कॉपी मशीन में, ये यहाँ की प्लेट जो है सपोर्ट प्लेट टूट जाती है, ये थोड़े से प्रॉब्लम है इसमें, बट इसमें तो इस मशीन में नहीं है। और ये भाई ऑपरेटर, ये अर्जुन भाई नाम है इसका, ये तू ही चलाता है ना? हाँ ये भाई इस मशीन को चलाता है, अभी कुछ 10-15 दिन पहले ही आया है। तो ये रहा मशीन जेसीबी का ब्रांड, इसके लिए चलता है, इसमें कम से कम प्रॉब्लम होते हैं। और रीसेल सबसे ज़्यादा जितने भी बैकहो लोडर है मार्केट में, आपको जेसीबी का लेते हैं तो रीसेल बहुत तगड़ा मिलता है। बाकी लोडर कंडीशन देखिए, कहीं पे कोई क्रैक नहीं है,
क्रैक नहीं है तो बड़ा वाला खर्चा कोई। अभी कैबिन में भी देखेंगे एक बार और घंटा कितना हुआ है वो भी पता चलेगा हमें। तो ये अभी एक होल्ड नहीं हो रहा है तो इसका ये गैस्ट्रड चला गया है। तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम तो है ही, बिल्कुल मना नहीं कर सकते। ये देखो ये 7578 घंटा हो चुका है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 7,500 घंटे मशीन चला है 5 साल में। ये कुछ कैबिन का देखो, अंदर का कंडीशन भी अच्छा रखा है, ऐसे लगता है कि मालिक ने वक्त पे मेंटेन किया है और अच्छे से सब कुछ देख रेख किया है। बाकी अंदर से भी क्लीनिंग अच्छा है, यहाँ पे ग्रीस पंप है तो देख सकते हैं। यही कारण लगता है मुझे कि आज भी जेसीबी का ब्रांड इतने दिनों से चल रहा है, ज़्यादा समय तक चलता है, ज़्यादा घंटे चलता है और प्रॉब्लम कम से कम आते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आते नहीं है, आपने देखा होगा जैसे कि गैस्ट्रड, नीचे जो जॉइंट का लीकेज था, टैंक पे जो गेज था वो लीकेज था, ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं। तो इतना ही है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं।